देवास जिले के बागली में रविवार की सुबह बागली थाना क्षेत्र के चापड़ा पुंजापुरा मार्ग पर अवैध रूप से गोवंश का परिवहन करते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से बेलों से भरे दो लोडिंग वाहन पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किए गए। दो छोटे लोडिंग मैजिक वाहन में अवैध रूप से तीन तीन बेल भरकर सनावत के बाजार में गोवध के लिए बेचने के लिए ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पुंजापुरा मार्ग पर पुंजापुरा समीप वाहन रोककर जानकारी ली गई तो वाहन चालक किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे पाया, जिसके पश्चात पूरे मामले की जानकारी बागली पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा दोनों वाहनों को जब्त कर गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन एवं बेलों को जब्त कर लिया गया। बागली थाना प्रभारी अनिता कटारा के अनुसार दोनों वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन एवं कुल 6 बेलों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए बेलों को चंद्रकेश्वर गौशाला में छोड़ दिया गया है। ये हमारे पुंजापुरा क्षेत्र में है, वहाँ पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो पिकअप है जो बेलों को भर के लेके जा रही है अवैध रूप से। उस पे से हमारे द्वारा वहाँ पर कार्रवाई करते हुए और दो पिकअप वाहन पकड़े हैं, उसमें तीन तीन बेल जो है। कितने आरोपी मैडम इसमें? इसमें दो आरोपी है, अभी तो फिलहाल दो आरोपी है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जो जब्त किए बेलों को कहाँ छोड़ा गया? उनको गौशाला में छोड़ा गया है। और तो मामले से जुड़े हुए कोई मुख्य आरोपी जो जिनके बेल थे या कुछ, इस पे जांच जारी है अभी वर्तमान में, तो दो पकड़ाए हैं और जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो आरोपी जो बनेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। रविवार की सुबह चापड़ा से और बागली पुंजापुरा के बीच में दो गाड़ी गेहूं के लिए भरी थी और हमारे कार्यकर्ता सुबह मॉर्निंग वॉक पर थे, उन्होंने देखा कि गाड़ी में कुछ है। गाड़ी के पास जाके देखा तो उसमें बेल भरे थे, दोनों गाड़ी में अलग अलग तीन तीन बेल भरे थे। और उन्होंने जब कागज़ वागज मांगे ड्राइवर से कि भैया दस्तावेज दिखाओ, दस्तावेज दिखाने में हमारे कार्यकर्ता ने पूछा दस्तावेज कहाँ है, दस्तावेज मिले नहीं। उसके बाद हमने 100 डायल को खबर कहा, 100 डायल मौके पर आकर साथ में हमारे कार्यकर्ता बताए और थाने में जाकर गाड़ी हमने सुब्रत की थाने प्रशासन। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई गई? ये दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है, अभी दोनों ड्राइवर हैं।